रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेश अपनी बड़ी बहू बीना के सामने खाना रखकर उससे बोलता है, बहू तू ये खाना खा ले, नहीं तो आज भी तुझे भरपेट खाने को नहीं मिलेगा। नहीं बाबूजी, ये मैंने आपको खाने के लिए दिया है। अपने ससुर की तू इतनी सी बात नहीं मानेगी? अरे मैं जो जब चाहूँ तब खा लूँगा। सुरेश अपनी बड़ी बहू को खाने के लिए फोर्स कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बीवी सीमा आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से बोलती है, बहू मैं देख रही हूँ, जब से छोटी बहू आई है ना, तब से तेरे पर निकल चुके हैं। ओ तो महारानी का दो रोटी से पेट नहीं भरता ना, इसीलिए तो अपने ससुर जी के हिस्से का भी खाना खाना है इनको। मेरा मन नहीं था खाने का, इसलिए मैं इसे यहाँ रखने आ गया। वैसे बड़ी बहू, अगर तुम दो रोटी से एक रोटी ज्यादा भी खा लोगी ना, तो हमारे घर का राशन कम नहीं होगा। बाबूजी रहने दीजिए ना, आप कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते ना, और वैसे भी मैं यहाँ बड़ी बहू से बात करने आई थी, ना कि आपसे लड़ने। बहू मैंने तुझे बोला था ना कि स्टोर रूम साफ कर दियो, लेकिन अब तक तो किया नहीं तूने। सीमा अपनी बड़ी बहू को बहुत भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है, पर कुछ ही देर के बाद उसकी छोटी बहू बबीता उसके पास आकर उससे बोलती है, माँ जी सुबह से पूरे घर में घूम घूम कर चिल्लाते हुए आपके पैर और गला दर्द कर रहे होंगे, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बबीता सीमा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और बोलता है, पैर दबाने के बाद गला भी दबा देना बहू, क्योंकि कल से ना तुम्हारी सास के गले में दर्द है। क्यों सीमा? आप मत भूलिए कि ये मेरा घर है और यहाँ सबको मेरे हिसाब से रहना होगा, और छोटी बहू तू अगर बड़ी बहू की तरह रह सकती है तो इस घर में तू रह, अगर नहीं रह सकती तो जा अपने बाप के घर। माँ जी भूलिए मत कि मैं भी आपके छोटे बेटे की ही पत्नी हूँ, तो जितना इस घर पर आपका हक है ना और आपके बेटे का है, उतना ही हक मेरा भी है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी स्टोर रूम से उसको कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि बीना वहाँ पर अकेले ही स्टोर रूम की सफाई कर रही है। वो उसके पास जाकर बोलती है, अरे दीदी आपने अकेले ही रूम साफ कर लिया, स्टोर की भी सफाई कर ली, अब चलो आपने मेरी मदद भी नहीं ली, लेकिन अब जल्दी से डिनर करते हैं। नहीं बबीता मैं कर लूँगी, वैसे भी माँ जी ने मुझे अकेले बोला है स्टोर की सफाई करने के लिए, मैं बाद में खा लूँगी। पर दीदी क्या हुआ, स्टोर रूम ही तो है, हम मिलकर साफ कर लेंगे ना बाद में, अगर नहीं भी हुआ है तो। आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए, बाबूजी ने बताया मुझे आपने सुबह से कुछ नहीं खाना है, आप ये सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। इतना बोलकर वो बीना का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और उसके लिए खाना निकालने लगती है। जैसे ही बीना खाना खाने जाती है तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और बीना से कहती है, बड़ी बहू तुझसे एक काम तो सही से होता नहीं समय पर, लेकिन हाँ खाना खाना तो समय पे चाहिए महारानी को। मैं अभी कर देती हूँ। आप बैठिए दीदी, और माँ जी शायद आपको पता नहीं है कि दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और बिना खाए काम करेंगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी, और थोड़ा कुछ खा लेने दो, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। छोटी बहू तो चुप कर, मैं तुझसे नहीं बड़ी बहू से बात कर रही हूँ, और बड़ी बहू तू जो तीन टाइम का खाना एक ही बार में ठूस जाती है, काम एक ढेले का तो करती नहीं। माँ जी आखिर दीदी भी तो इस घर की बड़ी बहू है, आप हमेशा उनके साथ ऐसे सौतेलो जैसा बर्ताव क्यों करती हैं? छोटी बहू तुझे बड़ी बहू का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर लेकर ही क्या आई है अपने बाप के घर से? सीमा अपनी दोनों बहुओं को बुरा भला सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति सुरेश आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, क्या है ना बड़ी बहू अपने बाप के घर से संस्कार लेकर आई है जो तुम तो बिल्कुल ही नहीं लाई, अगर तुम्हारे अंदर संस्कार होते तो तुम्हारी बोली भी मीठी होती। हाँ हाँ आप तो मुझे ही ताने दोगे ना, क्योंकि बड़ी बहू तो आपकी पसंद की थी। हाँ हाँ ठीक उसी तरह से जैसे तुम बड़ी बहू को उसकी गरीबी का ताना देती हो। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कल अकेले बड़ी बहू स्टोर रूम की सफाई कर लेगी, अब तुम रोना बंद करो मेरी माँ। सीमा अपना रोना बंद करके सुरेश के साथ वहाँ से चली जाती है
और अगली सुबह उठते ही वो स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम की सफाई देखकर सीमा हैरान हो जाती है और अपनी छोटी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, छोटी बहू तूने कहीं उस कर्मजली की मदद तो नहीं की ना साफ सफाई में? नहीं माजी। अच्छा माजी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। माजी मैं और दीदी तो दोनों ही आपकी बहुएं हैं ना, आपके ही सगे बेटों की, फिर आप दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इसलिए बहू क्योंकि तू मेरी पसंद है और तेरे बाप ने तेरी शादी में इतना खर्चा किया कि पूछो ही मत। और बड़ी बहू, अरे उसके घर वालों के बारे में क्या ही बात करे, जिनके पास खुद का पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं है। तेरे ससुर जी ने उसको इस घर की बहू बना दिए और वो बेशरम, अरे वो तो दो जोड़े कपड़े में ही यहाँ आ गई मुंह उठा के सीने पे सांप की तरह लौटने के लिए। अगर माँ जी आपको मेरे घर से भी कुछ नहीं मिलता तो क्या आप मेरे साथ भी ऐसे ही करती? अरे छोटी बहू तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी, मैं भला तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? तुझसे तो मेरे घर में धन की बारिश होती है बारिश। और कल जो मेरे घर में कार के रूप में आने वाली है, कल तेरा बाप मुझे एक बढ़िया सी कार देगा। इतना बोलकर वो अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है और उससे कहती है, बहू आज छोटी बहू के घर वाले आ रहे हैं तो आज के दिन उससे कोई काम मत करवाइयो और हाँ उनके स्वागत के लिए अच्छा सा खाना बना लियो। इतना बोलकर सीमा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बीना हमेशा की ही तरह कामों में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद बबीता के पिता मोहन उनके घर आते हैं। सीमा उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर के बाद सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में मोहन जब वहाँ से जाने लगता है तभी सीमा मोहन को रोकते हुए उससे बोलती है, समधी जी आज आप कार देने वाले थे, कार कहीं नजर नहीं आ रही। सीमा जी आपने तो मना कर दिया था ना ये बोलकर कि आपके पास सब कुछ है और अब आपको एक रुपया भी नहीं चाहिए। देखिए समधी जी अगर आपको नहीं देना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि आपकी औकात नहीं है ऐसे कार देने की, मगर ऐसे झूठ तो मत बोलिए कम से कम। झूठ? कैसा झूठ? समधी जी ने और बबीता जी ने खुद मुझे बोला है फोन पर। और रही बात औकात की तो भूलिए मत मैं आपको पहले वो सब कुछ दे चुका हूँ जो आपने कभी देखा भी नहीं। मोहन सीमा के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो अपनी छोटी बहू को घर से निकालने लगती है, जिस पर उसका पति सुरेश उससे बोलता है, सीमा तुमने ना अपनी बड़ी बहू की कभी कद्र करी और ना ही कभी अपनी छोटी बहू को प्यार किया। अरे बबीता से प्यार का दिखावा तुमने बस चंद पैसों के लिए किया? अरे पागल औरत, पैसों से घर परिवार नहीं बना करते, घर परिवार प्यार से बनते हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली जिनको पता है कि घर को कैसे जोड़कर रखें। माँ जी आपने कभी मुझे एक बहू की तरह मान सम्मान दिया ही नहीं, पर आज भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बस आप बबीता को घर से मत निकालिए, आप जो बोलेंगी इस घर में वही होगा। नहीं दीदी बहुत हो गया, माँ जी को जो करना था उन्होंने सब कर लिया और माँ जी मुझे इस घर से निकालेंगी? अरे मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और जब तक आप आएंगी नहीं ना मुझे लेने और मेरी बातों का जवाब देने तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओगी बबीता, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सबकी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और उसे समझ आ जाता है कि एक साथ रहने में ही हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। और वो अपनी दोनों बहुओं को रोककर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। बीना और बबीता भी उसे खुशी खुशी माफ कर देती हैं और अपने परिवार के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।